तो भैया आज हम खेल रहे थे झुंड विसी झुंड, मतलब कि रैंडम प्लेयर के साथ। तो असल में मैं अपने रैंडम बंदे को क्यों मार रहा था, बहुत ही अजीब हुआ मेरे साथ यहाँ पे। तो मैंने मुझे बहुत तेज गुस्सा आया इसके ऊपर सही में, कि या तो ये किसी से पिला जाए तो मैं इसको रिवाइव ना दूँ, और या तो मैं इसका हत्या कर दूँ। बिल्कुल बहुत मैं गुस्से में था। फिर ये अभी ये उसका मैंने गाड़ी डैमेज कर दिया। फिर क्या होता है, बंदा दूसरा गाड़ी लेके आता है, वो भी सोचता है कि वो मुझे बैठाएगा और मैं बैठ जाऊंगा, जबकि मैं गुस्से में था कि इसको तो नॉक करके ही रहूंगा कुछ भी हो जाए। मैं इससे ग्रेनेड फेंकता भी, फिर भी ये बच जाता है और मैं इससे फिर बात ही नहीं करता, दूर चला जाता हूँ। तो हेलो, कैसे हो आपका भाई, मुझे फिर से आज एक नया धमाकेदार वीडियो के साथ। बहुत ज़्यादा थोड़ा अलग है ये गेम प्ले, क्योंकि झुंड से झुंड खेल रहे थे। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भैया सोलो का ही नहीं खेल रहे हो, तो भैया सोलो में आजकल बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही है हमारी, कुत्ते की तरह मार रहे भर भर के दो चार स्क्वाड को। तो मैं निपटा दूँ, पांचवा आके पेल के चला रहा था फ्री फ्री में मेरे को, इस वजह से झुंड विसे झुंड ट्राई कर रहा था। तो जो रैंडम बंदे होते हैं ना, इतने चूती होते हैं ना, कसम से क्या बता रहा हूँ। या हम आए, आने के बाद मैंने घूरा इधर उधर बंदे हैं या नहीं है, तो मिला नहीं। सबसे पहले तो मैं लूटने लग गया, लूटना है और यहाँ से निकलना है मुझे, ठीक है, क्योंकि बंदे मारने, क्योंकि यहाँ पर बंदे आए नहीं है। और आजकल कुछ ज़्यादा ही रियल बंदे मिल रहे हैं हर जगह पे, रियल बंदे भाई, संभल संभल के खेलना पड़ रहा है। तो ऊपर के साइड आप देख रहे हो ना, ये एक बॉट उतरा है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं भाग के जाता हूँ उसे मारने के लिए, क्योंकि मुझे तो किल करना, किल से मतलब है दुनिया जाए भाड़ में, रैंडम प्लेयर क्या करना नहीं करना मुझे नहीं है मतलब। तो क्या होता है, उसका नाम होता है सचिन, इस तरीके से सचिन ही होता है शायद से, चार नंबर प्लेयर जो है वो क्या होता है, उसे मारने के लिए आता है और उससे डैमेज दे देता है। और साथ ही साथ क्या होता है, मैं भी यहाँ पर बगल में पहुँच जाता हूँ तो उसका थोड़ा सा डैमेज दिया हुआ, देख रहे हो कितना ज़्यादा मैंने शॉट मारा इसे, तो मतलब मेरा किल माना जाएगा कि मैंने इसको मारा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गुस्सा हो जाता है कि मैंने इसका किल लिया। असल में भाई सिंपल सी बात है, किल किल पे लिखा है मारने वाले का नाम, आप जिसको मारा वो किल आपका होता है, भले आप किसी के साथ भी खेलो। तो शायद वो गुस्सा था मेरे से। अब इसके अंदर भी क्या होता है, दूसरा नंबर का प्लेयर, उसके पास दो दो एफ एच जी है, बेचारे के पास गन नहीं था, एक बॉट उसे मार रहा था। मैंने जाके उसके हेल्प किया, उस बॉट को मैंने ये मारा और दो दो एफ एच जी, देख रहे हो बंदे के पास एक भी गन नहीं है। तो यहाँ पे मैं फिर से उसका, उसे लगता है कि मैंने उसका किल ले लिया। तो इस जगह पे फिर से और एक बॉट हमको नज़र आता है, तो मैं उसको भी मारने जाता हूँ। तो इसको ये एफ एच जी से मार देता है किसी तरीके से, चलो इसने मार दिया, ठीक है। तो देखो इस जगह पर इसने किल ले लिया, तो मैं तो किल ले नहीं पाया, तो अब क्या करता हूँ, डब्बा लूट लेता हूँ, डब्बे में से सामान ही लूट लेता हूँ मैं बुरी तरीके से। तो फिर से गुस्सा हो जाता है, तो यहाँ पर अच्छे से मैं लूटने के बाद मैं पॉइंट करता हूँ, क्योंकि माइक तो मेरा ऑफ था, रैंडम के साथ बात करना नहीं है, उनकी माइक से अजीब गरीब आवाज़ें आती है। तो मैंने पॉइंट किया कि ये गाड़ी है, ठीक है, टेम्पो सामने रखा है, टेम्पो से चलते हैं। तो मैं जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे ऑल पे मैसेज भी कर दिया कि चलो गो गो। अब पीछे से बंदे ने एफ एच ए मार दिया, ये हरामी मानुस आ रहा है, ये देख रहे हो, इतना तेज मुझे गुस्सा आया इसके ऊपर कि क्या बोलूँ। अबे तुझे ड्राइव करना था तो तू खुद बोल देता, तो मेरे को इतना तेज गुस्सा आया, मेरे पास तीन चार ग्रेनेड था कि अब तो बेटे तेरे को मार के रहूँगा। अब पूरे गेम में ये जब भी नॉक होगा ना, मैं इसको अभी रिवाइव नहीं देने वाला हूँ, इसके सामने डांस करने वाला था, कसम से बता रहा हूँ, खून खोला दिया इसने मेरा। इस जगह पर ये बच गया, डैमेज हुआ गाड़ी। अब दूसरा गाड़ी लेके वो मेरे पास आता है कि आजा बैठ जा, मैं उसको भी फोड़ देता हूँ, बहुत बहुत गुस्से में था। अब मैं चला जाता हूँ फिर इसके बाद यहाँ पे, कि बेटा फाइट तो होगी, तू पिलेगा ज़रूर, मेरे से पी लिया किसी और से पी लिया, आया फिर से लेके कि बैठ जाओ। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि असल में हम लोग इस गेम में दोस्त बन के रहते हैं या फिर दुश्मन दुश्मन। तो ये कार्यक्रम देखने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, साथ ही साथ लाइक कमेंट कर देना और मेरे चैनल में नए ना तो सब्सक्राइब मार देना शांतिपूर्वक। तो इस जगह पर मैं बाइक लेता हूँ, मेरा पीछे पीछे चार नंबर आ रहा है, ये कूदा ही था और मैंने उसे बैठा नहीं क्योंकि मैं गुस्से में था, या तो मेरा ये जो स्कूटी था मेरा ये फोड़ देता या तो बैठता। तो मैंने सोचा अब तेरे लिए रुकना ही नहीं है, अब मैं जाता हूँ तुरंत से, ड्रॉप गिरा है सामने, सामने ही गिरा था, ड्रॉप को लूटते हम बहुत ही मजे से। ड्रॉप लूटने के बाद वो बंदा पीछे पीछे आ रहा था, मैंने कहा चल यार उसको बैठा लेते, तो ये बंदा यहाँ पे नज़र आया, आ जा भाई बैठ जा, देख रहा था कि क्या करता है, तो ये शांति से बैठ गया, मैंने चलो ठीक है। तो चॉपर देखा था कहाँ पर, ये बगल में चॉपर है, वो लोग चिप अपग्रेड करने के लिए आए थे दो बंदे, बस वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से खेल स्टार्ट होती है असल में पूरी बढ़िया तरीके से। तो ये गए हम फेंक, यहाँ से मेरे पास ग्रेनेड था, मैंने ग्रेनेड फेंक दिया असल में, क्योंकि वो मैं असल में जो ग्रेनेड था ना वो चॉपर को मारने के लिए फेंका था, बंदा नॉक हो गया वो बात अलग है भाई, गलत बात है ना ये कि बंदे को चोट लग गया, मैं तो सॉरी भी नहीं बोलता। वहाँ पर दो बंदे था, ये मैंने ग्रेनेड फेंका और दूसरा हमारा खतरनाक वाला स्नाइपिंग, कटाकट मारेंगे तब तक ग्रेनेड से मर गया। दूसरा बंदा ना वो जादूगर था, साला हाइड हो गया, वहाँ से गायब हो गया, बंदे को मैं ढूंढता रहा, बंदा मेरे सामने आ जाता है बिल्कुल नज़दीक, यहाँ पे ये आ गया, जादूगर बन गया, मैं जादूगर
मेरा नाम है गोगा, मैं संधि से मारूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। बेटे मरोगे तो तुम मेरे हाथ से। और ये यहाँ पे फिर से इसका किल टापते हुए, बहुत ही बढ़िया। अभी तक मैंने अपना कस्टम नहीं उठाया, कस्टम उठाना तब देखना बवाल, क्या ही मारते कतई जहर। चलो हमको जाना है दूसरे ड्रॉप में, जल्दी बैठ गए। ओ ड्रॉप से याद है, पहले तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पर लूटने के बाद चॉपर ले लेता हूँ, क्योंकि चॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गेम बहुत ही ज़्यादा ईजी था, तो इस जगह पर हम चॉपर से ढूंढ लेते बंदे, फिर से हमको पता नहीं इसमें हमको ज़्यादा रियल बंदे नहीं मिले, वो लास्ट में मिलते हैं रियल बंदे। तो किधर गया, तो ये बॉट मारे किल टाप लिया, कि दूसरा वाला हमारा किल ना ले ले ये बॉट बाबू। आओ चलो, और एक बाबू हमको पीछे नज़र आता है, वो है इजी किल, और इसको भी ख़त्म। चलो ख़त्म कर दिया, मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्या अब तो मेरा काम ख़त्म हो गया। फिर इस जगह पे एक रियल बंदा नज़र आता है, चलो इसको भी निपटाते हैं हम, ख़त्म बस। अब हमको जाना है, यहाँ पे टैंक गिर जाता है, तो टैंक के पास हमको जाना है, कि ज़रा उनका भी इंतज़ाम करें हम। मैंने बोला यहाँ पे बंदे क्या, यहाँ पे कोई बंदा नहीं था। तो भैया यहाँ से हम चॉपर उठाते हैं, और चॉपर लेके डायरेक्ट चलते हैं टैंक के पास, क्योंकि टैंक वाले को मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे लगा कि ये बंदा बैठ गया, मैंने थोड़ा सा वेट किया कि बैठना है बैठ, नहीं तो फिर हम चले, ये नहीं बैठ रहा था, पता नहीं क्या ढूंढ रहा था। मेरे पास इतना टाइम था नहीं, क्योंकि गेम को जल्दी से जल्दी निपटाना था, इनको वेट करते करते मेरा वीडियो का टाइम निकल जाएगा और पब्लिक भाग जाएगी। तो हम डायरेक्टली जाते हैं कार टैंक के, टैंक आगे। मैं असल में दूसरा चॉपर भी लेने आया था, कि थोड़ा सा डैमेज था, तो पता चलता नहीं, सामने चलते हैं इसको बाद में ले लेंगे हम, है ना। टैंक ले लिया किसी ने, अब चलते टैंक वाले के पास। तो वहाँ पे थे दो बंदे, असल में टैंक वाला था और उसका ऐसे नॉर्मल प्लेयर भी था जो बाहर के साइड था। तो भाई टैंक वाले को तो डायरेक्ट मार नहीं सकता, वो देखो लेफ्ट से वो फायर कर रहा है, क्या तुम्हें को पिलेंगे बेटा, टेंशन मत लो। अब उधर से टैंक मुझे मारती है, इधर से ये बंदा मुझे मारता है, ये बंदा भी जादूगर होता है असल में, साला पीछे से गोली मारता है, डरपोक मर्द का बच्चा नहीं है सामने से गोली मारने का। गायब हो गया, अब मुझे पता था ये कभी भी आके मुझे मार सकता है, और ये ले भाई हमारा जो कस्टम है वो बहुत ही बवाल है भैया, तुम भले डैमेज दे दो जो भी कर लो, मरना तुम्ही को है, ठीक है। तो इसको मारने के बाद जो टैंक वाला बंदा था वो नीचे उतर जाता है, पूरा पील दो साले, इन्फॉर्मेशन दोगे ना कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्या करो बंदे को ना पूरा ही पेल दो, किस्सा ही ख़त्म करो। यहाँ पर टैंक वाला बंदा नीचे उतर जाता है, और वो करना उसे करना था स्नाइप, और मैंने भी स्नाइप निकाली उससे पहले, और मैंने पेल दिया इजी तरीके से, इंडा जॉय। चलो यहाँ पर मैं आराम से हील लगाता हूँ, पता चलता है यहाँ पर और एक बंदा है, वो आ रहा है, मैंने कहा हील विल जाए भाड़ में, पहले इसको ख़त्म करो। तो ये बंदा बॉट था शायद, शायद से, चलो बॉट जो भी भाई, ख़त्म करना हमारा परंपरा है। तो ये बंदा भी ख़त्म हो गया, चलो लास्ट जोन ख़त्म होता है यहाँ पे आराम से। ओ एक चीज़ दिखाता हूँ मैं भाई साहब, इतना लूट इसकी, देख रहे हो हील, देख रहे हो इतना हील, इतना ज़्यादा लूट होने के बाद भी टैंक के अंदर बेशरम कहीं क्या बैठा हुआ था, गंदा बच्चा। सही में रियल बंदे के नाम पे ना धब्बा है ये धब्बा, इतना सारा लूट होने के बाद कौन टैंक के अंदर जाता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता, ताज़ा ताज़ा रिवाइव होके आता है ना सिर्फ पिस्तल लेके, उसको जाना चाहिए टैंक के अंदर, ताकि वो विनर विनर ढोकला डिनर कर सके। इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं था, इतना सारा चीज़ होने के बाद भी लूट रहे। तो इस जगह पर हमारा गेम असल में थोड़ा अच्छा सीन होता है, यहाँ पर एक बंदा होता है, इसको भी हम हिट फायर में लपेट लेते, ये ख़त्म। कितना इजी तरीके से पेल देता हूँ मैं कभी कभार लगता है ना कि मैं ही भगवान हूँ। तो चलो यहाँ पे हमारा बंदे को पेल दिया, एक को पेल दिया, लास्ट में हम दो ही बचते हैं, मतलब जो मेरे साथ रहता है, जिसके साथ झगड़ा होता है वो बंदा रहता है, और बाकी के जितने भी थे वो टपक जाते हैं। अभी हैं 8 बंदे लाइव, जीवित है अभी, आराम से जाते हैं। तो हमको पता है कि ऊपर से कोई फायर कर रहा था, तो एक को तो स्नाइप करता, तो दूसरा मेरे को भाई अच्छा मौका देख के पेल देता इस जगह पे। एक तो ये बंदा वो किनारे चल गया, मैंने कहा उस पर होल नहीं कर सकते, पॉइंट कर दिया कि तू ही संभाल उसे, और दूसरा यहाँ पे था, एक गोली से बंदा बच गया ये चॉपर की वजह से, चॉपर फूट गया मेरे ऊपर, और साथ ही साथ एक स्नाइप भी पड़ गई, और एक पड़ता तो शायद मैं ख़त्म था। मैंने कहा अब नहीं ले रहा पंगा, मैं पहले हील करूँगा, और जिसने मुझे मारा है सबसे पहले जाके उसको पेलूँगा। बहुत गुस्सा दिला दिया, तुम लोग जानते नहीं हो मुझे अभी। तो हम चलते उस बंदे के पास, स्नाइपर छोड़ दे भैया, नहीं ये बंदा मतलब देखने में क्या जाता है देख रहा था कि वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे एक पहले तो बॉट मिल जाता, पता नहीं इस लॉबी में बॉट क्यों मिल रहा था मुझे, और मैं रात के टाइम गेम खेल रहा था, असल में ये लास्ट गेम था मेरा, कि इसके बाद सो जाना है।
ओ पेल दिया हमारे बंदे को, दोनों बंदे को पेल दिया। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। देखो इसका हिप फायर इतना ज़्यादा तगड़ा है ना सही में, क्या ही बताऊँ मैं। ये लग गया बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए। और बचा लास्ट बंदा, हमने 14 किल कर चुके। कस्टम था इसके पास, वो क्या कहते हैं DLQ, पर ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाया। अगर मेरा कस्टम लेते ना ये सेम में, एक में तो पूरा ऊपर वाला हेल्थ गायब कर देता एक शॉट में, और दूसरे शॉट में बंदा ख़त्म। और हेड में तो भाई वन शॉट है। मेरा स्नाइपर का अलग ही है भाई। आप लोगों को बताया हुआ कस्टम, अगर चाहिए तो देख लेना एक बार, पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ, पर देख लेना, सारी वीडियो देख लेना, क्या दिक्कत है। और सब्सक्राइब भी मार देना। आप लास्ट वाला बंदा कहाँ है ढूंढना पड़ेगा। तो ऊपर से वो रेंगते हुए आता है कोई बंदा, मुझे लगता है पता नहीं कौन है, क्योंकि भाई लास्ट वाला बंदा ना बहुत कन्फ्यूज करता है, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है, गॉड भी हो सकता है और रियल। तो भाई आज के गेम प्ले में यही था, मिलते हैं नए गेम प्ले में। बाकी लव यू ऑल, पूरा मेरे चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक कमेंट मार देना, और बताना कैसा लगा मुझे। भाई उतना कुछ सही नहीं लगा ये गेम प्ले, है ना, मजाक कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया था, लाइक कमेंट मार देना। मिलते हैं अब।